अरे छोड़ो मियाँ, ये पूरा जगह एक चक्कर है, मतलब असली वाला नहीं, वो जंतर मंतर वाला चक्कर मियाँ। बड़ी दुखी जगह है। हाँ, यहाँ किसी भी बात का तुक नहीं बनता, बस एक ही सेंस है कि सब नॉनसेंस है। और लोगों का रिएक्शन जब मैं MMF छोड़ने की बात करता हूँ, तब का रिएक्शन। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मेन टॉपिक शुरू करने से पहले, कि सब लोग अपने अपने कमेंट करो इस वीडियो के सेक्शन में, कि तुम लोग कौन कौन से गेम खेलते हो, या तुमको लगता है कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यू मिलेंगे। पबजी, फौजी, COD, DBL, उसके बाद में और तरह तरह के गेम जो भी तुम्हारे दिमाग में आते हो वो तुम लोग लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके हिसाब से फिर मैं हर किसी को अलग अलग कैटेगरी में सेट करूँगा। फौजी वालों को अलग सेट करूँगा, DBL वालों को अलग सेट करूँगा, उसके बाद में COD वालों को अलग सेट करूँगा। उसके हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से फिर आगे का डिसाइड करूँगा कि क्या करना है, क्योंकि चैनल को तो चेंज करना ही है, कंटेंट भी चेंज करना है, तो उसके लिए मेरे को प्रॉपरली डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए तुम लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखने वालों के ऊपर ही सब कुछ वीडियो बनता है देखने वालों के लिए। इसलिए मुझे पता करना है कि लोग क्या देखना पसंद करेंगे, COD, PUBG, फौजी की क्या कि वही अदर कंटेंट। तो उसके लिए तुमको अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से गेम पसंद है, फिर वैसे वैसे मैं उनको कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, और फिर कितने प्लेयर्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा है वैसा गेम फिर कंटेंट चूज़ करूँगा। तो उसके लिए तुमको अभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा कि भाई मैं ये गेम सबसे ज़्यादा खेलता हूँ, मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, या ये कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है इंडिया में। तो ये ऐसा कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो कमेंट करो और जल्द से जल्द बताओ कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा बेटर है, अच्छा है, जिसमें पैसे भी स्पेंड ना हो और प्लेयर का सभी प्लेयर के साथ में समानता हो, किसी भी प्लेयर के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता हो, पैसे के दम पे या किसी और के दम पे भेदभाव नहीं किया जाता हो, तो ऐसे गेम को हम लोग बाद में देखेंगे। तो उसके लिए तुमको कमेंट करना पड़ेगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो फटाफट करो। धन्यवाद। आगे का पूरा वीडियो देखो, क्यों ने वीडियो, लोगों का रिएक्शन देखो इस बात पे कि गेम अनइंस्टॉल करने के रिएक्शन देखो लोगों के। वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो जल्द ही मैं चैनल का नेम भी चेंज कर दूंगा, लेकिन करने से पहले कुछ न्यू गेम, अच्छा कंटेंट, सेफ सिक्योर कंटेंट, जो कि बाकी सभी प्लेयर्स का हित में हो, किसी भी प्लेयर्स का पैसे का या किसी भी तरीके के हानि प्लेयर्स को ना पहुंचाता हो, ऐसा अच्छा सा गेम मेरे को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए लगेगा टाइम, और जो भी गेम आएगा उसमें विदाउट मनी स्पेंड किए हम लोग खेलेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, एंड उसको गेम तक ही सीमित रखेंगे, उसको एक बिजनेस के तौर पे यूज़ नहीं करना है, बिजनेस बनने नहीं देना है। मार्वल फ्यूचर फाइट एक बिजनेस गेम बन चुका है और बन चुका था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, इसलिए अनइंस्टॉल कर दो, कोई मतलब नहीं है। फौजी या पबजी आता है तो बिल्कुल उड़ा दो, उसी दिन उड़ा दो, जिस दिन वो आ गए उसी दिन उड़ा दो। अगर किसी को अभी भी लगता है कि सेंट्रिका एपिक क्वेस्ट बायकॉट करके या इग्नोर मार के बाकी का जो कंटेंट है उसको एंजॉय करके खेल सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, वो तुम्हारा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन सीधा क्लियर है। जैसा ही फौजी या पबजी आया इसको हटा दूंगा मैं, बहुत हो गया दिमाग ख़राब। और ये एक कमेंट आ रहे हैं आजकल, थोड़ा सा मैंने अकाउंट या गेम डिलीट करने की बात क्या की यहाँ पे इन लोगों के फेफड़े में, इनको पता नहीं क्या चुल मची, मुझे अपनी आईडी दे दो। मैं बोला ठीक है, इतनी कीमत दे दे, मैं तो अपनी आईडी देता हूँ, इतने रुपए दे दे मेरे को, मैं अपनी आईडी देता हूँ, लाओ है दम दिखाओ, क्योंकि ये ऐसा वैसा अकाउंट नहीं है भाई, ये MMF का मेरा 5 साल का बनाया हुआ अकाउंट है जिसमें मेरा एक्सपीरियंस लगा हुआ है, मजाक हलवा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है अकाउंट बनाने के लिए, और इतने 5 साल तक मैंने मेहनत की है, उसकी इतना छोटा मोटा दाम नहीं होगा, बहुत लंबा दाम होगा। अविनाश पांडे, डोंट डिलीट दिस गेम। नहीं 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 नहीं, गेम तो डिलीट होगा, आज नहीं होगा, लेकिन जब पबजी या फौजी आएंगे उस दिन तो पक्का होगा, भले आज ना हो लेकिन उस दिन पक्का होगा, उस दिन अनइंस्टॉल होने से कोई नहीं बचा सकता ना, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। ऐसे लालची गेम डेवलपर के साथ में मैं कोई भी उसका गेम प्रोमोट नहीं कर सकता, मैं लोगों का नुकसान नहीं होने दे सकता, मेरा स्टार्टिंग से यही पॉइंट है कि मैं लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा, गलत चीज़ प्रोमोट नहीं करूंगा।
जानते हो अभी कुछ यूट्यूबर का नाम लेने वाला था मैं बीच में, जो कि लालच करते हैं स्टार एजेंट बने हुए अभी भी और उसे क्रिस्टल कमा रहे हैं और बाकी के कंटेंट खरीदने के लिए लालच कर रहे हैं और लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि बायकॉट करो, फ्री में करो। मैं नाम नहीं निकालना चाहता, अगर निकाल लिया ना तो सब्सक्राइबर घट जाएंगे बेचारे के। मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो। लोगों का रिएक्शन जब मैं एमएमएफ छोड़ने की बात करता हूं तब का रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। आगे बात करते हैं बंडलर्स, बैडलैंडर्स जो भी इसका गेम का नाम है, वो चाइना का गेम है भाई। उसका गेम डेवलपर देखो तुम, चाइना का है, तो चाइना के गेम में नहीं खेलने वाला। चाइना के गेम मैं प्रमोट नहीं करूँगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए चाइना के गेम प्रमोट नहीं करूँगा। ओहो अकाउंट मांग रहे हैं, जरा ये रुपये दे दो मेरे को, मैं अकाउंट देता हूँ, इतने रुपये दे दो मेरे को। ओके ठीक है कर दूंगा एक्सेप्ट। भाई मेरे मैं एक ही बोलूँगा, गेम को खेलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमको सीधी सी सिंपल सी बात समझ में आती है कि हमने कोई भी स्टेज, कोई भी लेवल कैसे भी क्लियर किया हो, उसमें का जो रिवार्ड है वो मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है। मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो मिलता ही नहीं तो ऐसा गेम खेल के करेंगे क्या हम लोग? हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। उतना ही मेहनत अगर हम लोग पढ़ाई एजुकेशन में सही जगह लगा ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। यहाँ टाइम पास करके मतलब नहीं है ना, अपना भी टाइम पास, दूसरों का भी टाइम पास, जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी टाइम पास, मतलब है क्या? कोई सेंस नहीं है। मत खेलो फालतू, इतनी मेहनत मत करो, कोई मतलब नहीं है। अरे छोड़ो मियाँ, ये पूरा जगह एक चक्कर है, मतलब असली वाला नहीं, वो जंतर मंतर वाला चक्कर मियाँ। बड़ी दुखी जगह है। हाँ यहाँ किसी भी बात का तुक नहीं बनता, बस एक ही सेंस है कि सब नॉनसेंस है, यूजलेस है। इसका कंटेंट, इसका पूरा जो मारियो फ्यूचर फाइट का जो पूरा रूल्स रेगुलेशन है, हमारे रियल लाइफ में कभी भी वो काम नहीं आने वाला। मेरे को बात बताओ, उसमें का एक चीज़ मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, सीटीपी ले लो। सीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सेलेस्टियल पैक, ठीक है। अब ये सेलेस्टियल कब आने वाले हैं? उसको मार्वल के सिनेमेटिक यूनिवर्स में आने वाले, यानी एमसीयू की मूवीज़ में आने वाले, वहाँ काम का है। यहाँ हमारे रियल लाइफ में कोई काम का नहीं है ना, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है। ये एंटरटेनमेंट के पार्ट को इन लोगों ने बिजनेस बना के रखा हुआ है। वेरी डिसगस्टिंग है, वेरी 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 बैड। माइनक्राफ्ट, मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेल सकता, मेरे पास में पीसी नहीं है। पीसी होता तो शायद मैं अपने वीडियो के वाटरमार्क हटा देता, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई, ये गेंडल पर एक नंबर लालची है, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। सीधा अनइंस्टॉल करो और कुछ नहीं, लालच करूंगी तो भुगतना तो पड़ेगा। ओके सीओडी पे शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। सब्सक्राइबर को एक तो पहली लफड़ा ये है कि सीओडी खेलने वाले कम है और बहुत ही कम रेयर प्लेयर है, और वो भी ऐसे खेलेंगे जैसे तुम लोग अभी समझे खड़े हो, तो एक सेकंड के अंदर तुमको खत्म करके पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसे खेलते हैं। तो वेरी रिस्की गेम सीओडी, सीओडी भी मजाक नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है, दिस इज नॉट अ इजी गेम। और सब्सक्राइबर व्यूज भी तो चाहिए, वीडियो तो मैंने भी बहुत डाले थे सीओडी के, लेकिन व्यूज तो आए नहीं उतने, एवरेज से थे 150-200, उसके ऊपर तो गए नहीं। टाइम लगेगा, फिर से एक बार वही शुरुआत करनी पड़ेगी जो 5 साल पहले किया था एमएमएफ को लेकर, अब किसी और गेम को लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी। देखते क्या होता है, जहाँ ज़्यादा सस्ता है वो कंटेंट उठाना पड़ेगा। क्लैश ऑफ क्लैन तो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे बहुत से फ्रेंड ने मेरे को बोला कि ये खेल, पर मैंने आज तक कभी वो गेम को हाथ नहीं लगाया और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, बहुत छोटे छोटे रहते हो और मज़ा भी नहीं आता। फ्री फायर तो उसका कंटेंट और मेरे दिमाग का कंटेंट मैच नहीं होगा। और उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों के ओपिनियन में पूछा था फ्री फायर के बारे में, तो साफ साफ लोगों ने भी बोला था कि मत खेलो फालतू है, इसमें भी नेट मार्बल जैसा पैसा लो और पैसा छापो वाला काम है, जिसके पास में पैसा जो डोनेट करेगा मतलब गेम डेवलपर को देगा उसको एडवांस मिलेगा, और जो पैसा नहीं देगा उसको लोल बना के रखेंगे लोग, मतलब नल्ला यानी किसी काम का नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो कंटेंट है ये लोग प्रोवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा देगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट और जो पैसा नहीं देगा उसको कुछ नहीं। तो फ्री फायर खेलना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा भेदभाव वाले गेम मैं नहीं खेलूंगा ना।
ऐसे गेम नहीं खेलना जिसमें भेदभाव करते हो प्लेयर्स के साथ में, जहाँ पे इक्वल हो, इक्वलिटी हो प्लेयर्स के साथ में, समानता हो, भेदभाव ना हो, ऐसा गेम में खेलना पसंद करो जो कि सीओडी है। सीओडी में सबको इक्वल मिलता है, कोई भी अगर पैसा भी अगर सीओडी में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर उसको सिर्फ कॉस्ट्यूम मिलते हैं नए नए, बस उसके अलावा दो सारी चीज़ें नई नई मिल जाएंगी बस। उसके अलावा बाकी जो गेम प्ले है नए प्लेयर का, जो पैसा स्पेंड नहीं करते और जो पैसा स्पेंड करते हैं जो कि पेड प्लेयर होते हैं, दोनों में इक्वलिटी होती है, समानता होती है, भेदभाव नहीं होता, तो ऐसे गेम अच्छे होते हैं। लेकिन नेट मार्बल जैसे और फ्री फायर जैसे गेम अच्छे नहीं है, क्योंकि भेदभाव करते हैं ना प्लेयर्स में, जो पैसा देगा उसको एक्स्ट्रा, जो पैसा नहीं देगा उसको कुछ नहीं। मतलब ये क्या बात हुई, मतलब ये लोग के लिए पैसा मायने रखता है, प्लेयर मायने नहीं रखता, यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना लोग, इससे तो यही पॉइंट निकल रहा है। लालची इस किस्म के गेम डेवलपर साले, जैसे लालची गेम डेवलपर के गेम ना मैं खेलना नहीं चाहता ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, गलत चीज़ हो, गलत कंटेंट प्रोवाइड नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल आशीष भाई, बिल्कुल एकदम सही पॉइंट बोले हैं। ओ ऐसी बात है, रोस्ट वीडियो ये गेम पे, रोस्ट कितना करूंगा यार, थक गया रोस्ट करते, चार पांच वीडियो तो मेरे रोस्ट की वीडियो बनाने वाले, और कितना रोस्ट बनाऊंगा, और कितना गाली दो उसको, अरे गाली को भी शर्म आ जाए इस गेम को गाली देते हुए। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, गाली को भी शर्म आ जाए इस गेम को गाली देते हुए, समझे, इतना बेकार गेम है, इतना बेकार, किसी काम का नहीं है ना, इसका जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो भी किसी काम का नहीं है, हमारे रियल लाइफ में तो कभी काम नहीं आने वाला, ना पाइथागोरस के नियम में काम आने वाला है, ना किसी और के नियम में काम आने वाला है, ना इकोनॉमिक्स, ना इकोनॉमिक के कभी रूल्स रेगुलेशन में काम आने वाला है, थर्ड क्लास है साला पूरा का पूरा, लालची गेम डेवलपर साला, एक नंबर के कमीने गेम डेवलपर है। अरे भाई आपने बोला कि अनइंस्टॉल कर रहे हो, तो मैं सिर्फ इसलिए सिर्फ आपसे पूछ रहा था, ऐसे ही थोड़ी बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप डिलीट कर रहे हो तो ऐसे ही मुझे दे दो, सिर्फ मैं उतना ही बोल रहा हूँ। नहीं भाई मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता, बहुत उसमें बहुत कुछ है, मेरा इधर उधर से लिंक है, तो मैं अपना अकाउंट ऐसे किसी को नहीं दे सकता, दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल। हाँ भाई बिल्कुल, मैंने सेंट्री का जैसे वो कॉस्ट की खबर पड़ी, सुन मतलब कान पे पड़ी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इसको सीसीएफ ज़्यादा लगने वाला है, 2500 से भी ज़्यादा का सीसीएफ लगने वाला है, तो मैं बोला ठीक है उतना एडजस्ट कर लेंगे बाद में देख लेंगे, 3-4 महीने लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन बाद में और एक न्यूज़ आई कि 4000 से भी ज़्यादा का सीसीएफ लगने वाला है उसके गियर अपग्रेड करने के लिए। मैं बोला ये क्या पागलपन है, मेरे तो तोते उड़ गए उसी वक्त, जैसे मेरे न्यूज़ सुनी ना मैं तोते उड़ गए, मेरे बोला हद हो गई, लालच करने का हद हो गया, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, मतलब नेपाल ने हमको इवेंट में या गेम जब हमने अपडेट किया तब क्या फ्री में दिया था, 10,000 सीसीएफ वैसे फ्री में दिया था, क्या मैं ऐसे सोच रहा था, मैं जाके इवेंट में भी जाके चेक किया, मैंने 10,000 सीसीएफ दिया तो नहीं सबको फ्री में पकड़ में, जो ये लोग 6,500 रिटर्न में मांग रहे, देखा दो ऐसा कुछ नहीं था, भिकरवाड़ा चल रहा था इनका, भीख मांगनी चल रही थी, अभी भीख मांगना तो सीधे सीधे मांगो ना, झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, उधर गियर सिस्टम में लगाने की जरूरत थी, सीधे सीधे बोल लेते पैसे दे दो हमको सीसीएफ के बदले में, चप्पल मार के फेंक दे दे। या बिल्कुल बिल्कुल आदित्य भाई, जरूर चेंज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि फौजी और अपना पबजी दोनों आने के हैं, तो उनको आने देता हूँ, फिर देखेंगे डिसीजन लेना है कि प्लेयर्स आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, कि व्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं, फ्यूचर का बहुत कुछ सोच के मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं ऐसे ही एकदम से सडनली डिसाइड नहीं कर सकता, एकदम चेंजेस नहीं कर सकता, वरना इसका भारी नुकसान मेरे को उठाना पड़ सकता है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, जो जोश में गुस्से में हम लोग डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। नहीं भाई ये बिल्कुल भी अफवाह नहीं है, एकदम सच है, 6,500 से ज़्यादा के सीसीएफ लगने वाले हैं इस एपिक क्वेस्ट में, इस सेंट्री को, इस सेंट्री खाने वाला है, तो मैं तो नहीं देने वाला, दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं नहीं देने वाला। क्लैश ऑफ क्लैन, नहीं भाई मैं क्लैश ऑफ क्लैन नहीं, वो गेम ट्राई नहीं करूँगा मैं, दूसरा कोई गेम बोलो जो आसान हो, ईजी हो, आसान हो, जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होता हो, पैसा भी बचता हो, पैसा स्पेंड करने की जरूरत भी काम ना पड़े और कंटेंट भी अच्छा प्रोवाइड करता हो, ऐसा गेम बेस्ट गेम होता है। नहीं सही में सीरियसली, अगर मैं इतने 5 साल से यहाँ पर एमएफएफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक मेरे 10,000 के ऊपर के सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20,000 के ऊपर भी एटलीस्ट होने चाहिए थे, लेकिन रियलिटी देखो कहाँ है, मेरे तो अभी 10,000 भी सब्सक्राइबर टच नहीं हुए, 9,480 है, मतलब 9.5 की भी टच नहीं किया मैंने, क्या हाल है, मतलब इस गेम से देखो मतलब लॉस में जा रहा हूँ ना मैं, इतनी मेहनत किसी और गेम में कर लेता तो कहाँ के कहाँ होता, गया ये गेम तो गया, इतना अच्छा कंटेंट था लेकिन गेम डेवलपर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पबजी खेलेंगे साथ में, स्ट्रीमिंग वीमिंग करूंगा मैं, आने दो साले को पबजी, देखेंगे बाद में क्या करना है, पबजी खेलेंगे नहीं तो फौजी खेलेंगे, जो भी होगा देखेंगे, नहीं तो सीओडी खेलेंगे, सीओडी बनाते साले को, सीओडी में इक्वलिटी बहुत है, समानता बहुत है, और सीओडी वाले इज्जत भी करते हैं, प्लेयर की सुनते भी है, समझते भी है, और काफी सारे अच्छे अच्छे चेंजेस भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से सीओडी खेलना अच्छा रहेगा, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन अगर प्रॉपर रहा तो खेलने में मजा है, नहीं तो नेटवर्क कनेक्शन खराब रहा तो बाद में रिकनेक्टिंग तो मजा किरकिरा हो जाता है, मजा नहीं आता, तो देखते हैं अभी सीओडी खेलेंगे क्या खेलना है, देखते हैं। ड्रैगन बॉल लेजेंड तो है मेरे पास में, लेकिन उसका भी मेरे को थोड़ा सा व्यूज़ का ही लग रहा है कि व्यूज़ अच्छे आ जाए तो एटलीस्ट मैं इसको कंटिन्यू कैरी कर सकता हूँ आगे, अदरवाइज ड्रॉप करने का मन होता कभी भी।
पीसी नहीं है मेरे पास भाई, पीसी नहीं है, सच बात बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं, आज तक कभी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, पीसी नहीं है मेरे पास ना लैपटॉप। बिल्कुल बिल्कुल मैं मराठी बोलू शकतो भाऊ। हो पण काय करावं भाऊ, आता VIP 7 झालोय, पण ते VIP 7 झाल्याने मला काही प्रॉफिट होत नाही ना, मला डेलीचे काही क्रिस्टल भेटत नाही, मला डेलीचे सीसीएफ भेटत नाही, मला चांगला कंटेंट भेटत नाही, डेव्हलपरचा चांगला कोणी सपोर्ट भेटत नाही, काय मतलब असा गेम खेळून, स्वतःचं नुकसान करून घेणे अजून काही नाही। बिल्कुल बिल्कुल वन स्टार रेटिंग ठोकस आले भाऊ, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सीओडी मोड में जॉम्बी मोड आ चुका है मालूम है मेरे को, उसका अंदाजा लग गया था मेरे को, लेकिन नेटवर्क सही नहीं था कुछ टाइम से मेरे पास सिटी में, इसलिए मैंने सीओडी खेला भी नहीं, इंस्टॉल किया भी नहीं, और उसका डाटा भी बहुत ज़्यादा हेवी है, 3-4 GB तो ऐसे ही ले लेगा, तो क्या करें, अब जो सच बात है वही बता रहा हूँ। नेटवर्क अच्छा तो गेम अच्छा, नेटवर्क सही नहीं है तो फिर गेम खेल के मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, तो इनके लिए अच्छा प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग और 4G कनेक्ट अच्छा नेट होना जरूरी है, लॉस मतलब लूज कनेक्शन होगा तो फिर काम नहीं चलेगा, रिकनेक्टिंग बार बार आएगा तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है। सब्सक्राइबर भाई आसान नहीं है भाई, मैंने जहाँ से शुरू किया था वो बहुत मुश्किल दिन थे, जहाँ से शुरुआत किया था, एग्जांपल ऐसा समझ लो 10 सब्सक्राइबर, फिर 20, फिर 25, फिर ऐसा करते 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 9000 तक आया, तो मुश्किल था मेरे लिए सब करना, आसान नहीं रहता ना, बहुत मेहनत लगती है इसमें। DBL का PvP खेलूंगा, लेकिन मेरे को इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है, अभी टाइम लगेगा। थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, आगे देखते हैं क्या क्या डिसीजन लेना है। ये रॉक हाइस्ट करके क्या है, हीरो इंडियन गेम में MPL की तरह भाई, MPL का गेम मेरे को पसंद नहीं जिसमें मनी स्पेंड करना पड़े ना, ऐसा गेम मैं पसंद नहीं करूँगा। अच्छा बैटलफील्ड टाइप का है क्या, क्या नाम क्या पड़ा था गेम का, ROGUE रॉक हाइस्ट, ठीक है अभी जाके देखते हैं। ठीक है तो हम लोग पहुँच गए हैं रॉक हाइस्ट पे, इंडिया फर्स्ट शूटर गेम जिसमें अर्ली एक्सेस में दिया हुआ है, जो कि इसको बनाया है MPL मोबाइल प्रीमियम लीग ने। ठीक है ये देखने में तो इसका कंटेंट जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी से काफ़ी मैच कर रहा है, खुद ही देख लो कॉल ऑफ ड्यूटी से काफ़ी मैच कर रहा है, तो इसका जो ग्राफिक कंटेंट है ना वो देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन एक्जैक्टली ऐसा ही रहता है कि कैसा रहता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालता है। गेम की अबाउट के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे इसके परमिशन निकालते हैं, परमिशन क्या क्या ले रहा है, माइक्रोफोन ले रहा है, स्टोरेज ले रहा है, अदर ले रहा है, ले रहा है ओके ठीक है, इसने कॉन्टैक्ट या फोन या एक्सेस ये सब दुनिया भर का एक्सेस नहीं लिया, यही इसकी खासियत बोलो, MPL वालों ने ये सब ऐड नहीं किया। ठीक है ये हमारा डाटा सिक्योर रखेंगे, इसकी तो गारंटी मिल गई। 888 MB का गेम है, ठीक है कैसा गेम है ये थोड़ा सा देख लेते एक बार, ऐसा लग रहा है जैसे मल्टीप्लेयर जो 4G या अपना COD टाइप का लग रहा है। ओके कौन कौन खेलता है इसको बताना बाद में, मेरे को ओपिनियन देना। ओके रॉक हाइस्ट देखूंगा रॉक हाइस्ट को मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरे को देखना पड़ेगा कौन कौन खेलता है कौन कौन नहीं खेलता है, क्योंकि हमारे इंडिया के जो बहुत से प्लेयर्स हैं ना पबजी की तरफ ही अट्रैक्ट है, मैक्सिमम वहीं पे अट्रैक्ट है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कौन कौन से क्या खेल रहा है, क्योंकि इंडिया में गेम चलाना मतलब बहुत टफ काम है, इजी काम नहीं है, यहाँ पर आधे लोग पबजी खेलते हैं, आधे लोग कुछ खेलते हैं, आधे लोग कुछ खेलते हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ पर फिक्स नहीं है, बदलते रहती है। वेजिटो ब्लू तो मेरे को मिला नहीं अभी तक, मिलने का है और समझ समय कलेक्ट कर रहा हूँ, धीरे टाइम लग रहा है उसके लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा प्ले नहीं कर रहा डीवेल को, टाइम नहीं मिल रहा प्रॉपरली, आधे से ज़्यादा टाइम ये MMF में जा रहा है, वीडियो बनाने में, कंटेंट बनाने में, कुछ सोचने में, समझने में, अपलोड करने में बहुत टाइम जा रहा है। यूनिवर्स 6 का समन्स करो, वेजिटो ब्लू मिलेगा चांस है वहाँ पे, ठीक है मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा। चलो तो आज का क्विन वीडियो यही पे, पीपल्स का रिएक्शन देख लिया, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इतना ज़्यादा गुस्से में कि मतलब नेट मार कर रस्ते में मिल गया ना तो उसको वहीं पे हो गया उसका काम तमाम समझो। वही तो भाई बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैं पबजी खेल रहा था आज मैंने कहाँ के कहाँ होता, मैंने अपना टाइम और दिमाग और अपना जो मेहनत है ना गलत जगह लगा दिया, मैंने रिग्रेट हो रहा है साला, मारवल फ्यूचर फाइट को क्यों चूज़ किया मैंने, शट मार्वल का गेम था इसलिए चूज़ किया, मार्वल पसंद था इसलिए चूज़ किया, लेकिन गेम डेवलपर अच्छी नहीं है। मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन में सब्सक्राइबर कम मिले तो, व्यू कम मिले तो मैं तो उल्टा और नुकसान में जाऊंगा, ऐसे गेम खेलने से अच्छा है कि कुछ अच्छा सा फेमस गेम खेलूँ जहाँ पे व्यू सब्सक्राइबर दोनों मिले। चलो धन्यवाद, बाय बाय।